मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं प्यार करने के लिए बनी हूँ। मेरा बॉयफ्रेंड मुझसे बहुत प्यार करता है। यह रोज सुबह बोलने से हुआ एक बहुत बड़ा चमत्कार। मैं इस वीडियो में जो सक्सेस स्टोरी आप सबको सुनाने जा रही हूँ, वह सक्सेस स्टोरी एक सच्ची घटना पर आधारित है। नेहा नाम की एक लड़की थी। नेहा के जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था। नेहा जीवन में हर तरफ से हार रही थी। नेहा की नौकरी भी चली गई थी। नेहा के बॉयफ्रेंड अमित ने भी नेहा को धोखा देकर उसे छोड़कर चला गया था। ना चाहते हुए भी नेहा को हर समय अमित की याद आती रहती थी, इसलिए नेहा को डिप्रेशन की बीमारी हो गई थी। यहाँ तक कि नेहा के घर वाले भी नेहा को समझने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रहे थे, ना ही इस बुरे वक्त में नेहा का थोड़ा भी साथ दे रहे थे। इसलिए नेहा एकदम अकेली हो चुकी थी। नेहा हर तरफ से एकदम निराश रहने लगी। तभी एक दिन एकदम अचानक से नेहा के मन में ऐसा विचार आया कि उसे ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। उसी पल नेहा ने यह संकल्प लिया कि वह कम से कम 21 दिनों तक रोज ब्रह्म मुहूर्त में ही उठेगी। यही से मैजिक होने शुरू हो गए। यही से नेहा की लाइफ में चमत्कार होने लगे। नेहा का पूरा जीवन ही एक चमत्कार बन गया। एक बार संकल्प कर लेने पर नेहा अगले दिन से ही हर दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने लगी। नेहा हर दिन सुबह 4 से 5 बजे के बीच उठ जाती। नेहा सुबह उठते ही अपने घर की छत पर जाती। छत पर खुले आसमान के नीचे बैठकर नेहा पूरे विश्वास के साथ ध्यान लगाती। नेहा ध्यान लगाकर पूरे विश्वास से एक वाक्य को बोलती थी, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं प्यार करने के लिए बनी हूँ। मेरा बॉयफ्रेंड भी मुझसे बहुत प्यार करता है। मैं भगवान की एक अत्यंत खूबसूरत रचना हूँ। जब नेहा ने ब्रह्म मुहूर्त में ऐसा बोलना शुरू किया तो थोड़े ही दिनों में नेहा को अपने अंदर बदलाव महसूस होने लगे। नेहा पहले से अधिक सुंदर दिखने लगी। नेहा के फेस पर एक अलग ही चमक आ गई। नेहा का कॉन्फिडेंस लेवल भी धीरे धीरे बढ़ने लगा। यहाँ तक कि नेहा की डिप्रेशन की बीमारी भी धीरे धीरे एकदम खत्म हो गई। नेहा को ब्रह्म मुहूर्त में ऐसा करते हुए 15 दिन ही हुए थे। एक दिन अचानक से नेहा की एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी भी लग गई। नेहा को यह करते हुए 21 दिन भी पूरे नहीं हुए थे कि नेहा का बॉयफ्रेंड अमित, जो नेहा को छोड़कर चला गया था, वह नेहा से फिर से बात करने के लिए नेहा के आगे पीछे घूमने लगा। एक दिन मौका मिलते ही अमित ने नेहा को फोन पर कांटेक्ट किया। अमित ने नेहा से माफी मांगी। अमित ने नेहा को यह भी कहा कि उसे अपनी गलती का पूरा एहसास है, वह फिर कभी नेहा को छोड़कर नहीं जाएगा। नेहा का पूरा जीवन ही एक चमत्कार बन गया। दोस्तों पर ऐसा क्यों और कैसे हुआ? नेहा ना तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानती थी, ना ही नेहा कोई ऐसी मैजिकल टेक्निक जानती थी जिससे कि नेहा अपनी लाइफ को पूरी तरह चेंज कर सके या फिर अपना खोया हुआ प्यार फिर से ला सके। तो दोस्तों, हर शब्द की एक एनर्जी होती है। सफल होने के लिए दोस्तों हमें बहुत सी टेक्निक करने की जरूरत नहीं होती है, केवल हमें पूरा विश्वास बनाए रखना होता है। जब भी हम कोई शब्द बोलते हैं तो उसकी जैसी ही एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं। मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं प्यार करने के लिए बनी हूँ। नेहा का ऐसे बोलने पर भी यही हुआ। जिस तरह नेहा ने सिर्फ एक सेंटेंस बोलकर पूरे जीवन को बदल लिया, तो फिर आप भी अपने शब्दों को बदलिए, पॉजिटिव वर्ड्स का यूज कीजिए, फिर देखिए आपके जीवन में कैसे कैसे चमत्कार होते हैं। कमेंट सेक्शन में अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड को आई लव यू जरूर लिखे। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।